हेलो स्टूडेंट्स, आज मैंने आप लोगों को प्रश्नार्थ वाक्य विभाग समझाया, प्रश्नार्थ वाक्य समझाए वाक्य नंबर 11 से 18। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को वाक्य नंबर 19 से 25 समझाऊंगा। बराबर ये 19 से 25 वाक्य आप लोगों को मालूम है कि हमने उसका टाइटल दिया था विशिष्ट प्रकार के वाक्य या तो आज्ञार्थ वाक्य। बराबर, तो इसके लिए आप रेडी रहना। ओके, और दूसरी बात कि आपके पास जो पैम्पलेट है, बराबर, तो इस जो स्टैंडर्ड 12th ऐसा पैम्पलेट लिखा है उसमें प्रश्नार्थ वाक्य की बहुत सारी एक्सरसाइज दी गई है, उसको आपको सॉल्व करना है। आपके पास जो रेडी रेकनर ग्रामर है लास्ट ईयर की 9th 11th की, उसमें भी प्रश्नार्थ वाक्य, सादा वाक्य, प्रश्नार्थ वाक्य जो दिए उसको भी आपको सॉल्व करने हैं। बराबर, अब बात रही थोड़े बहुत वर्क की, तो सबसे पहले मैं 9th वालों को बता दूं कि बच्चों, आपके पास जो लास्ट ईयर का 9th का जो पेपर सेट है, तो उसमें जो पांच पेपर के पांच डायलॉग है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के, उसको आपको सॉल्व करना चालू कर देना है। और जो मैंने आपको प्रश्न टिक लगवाए उसको भी आपको सॉल्व करना चालू कर देना है। ये सूचना देने के बाद एक दो बच्चों के मेरे पर कॉल आए थे, फोन आए तो पूछा था कि सर क्या क्या प्रश्न हम के लिखना है। एक बात आप समझ लो 10वीं वाले बच्चों, कि जो प्रश्न पेपर में आ जावे, आपके पेपर सेट में आ जावे, वो आपको अंदर ही लिख देना है। लेकिन कुछ प्रकार के आंसर, मान लो कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट का आंसर लंबा हो, तो आप कॉपी में लिखेंगे, ईमेल आप कॉपी में लिखेंगे, पिक्चर डिस्क्रिप्शन आप कॉपी में लिखेंगे। आप समझते हो ना मेरी बात? बराबर, तो ऐसे आप वर्क अपना जारी रखना, कंटिन्यू रखना। बराबर, और मैं अब बात करने जा रहा हूँ, मैं समझाने जा रहा हूँ 12वीं वाले बच्चे। बराबर, तो 12th वाले बच्चों को मैंने लास्ट वीडियो में ऐसा बोला था कि आपको ये जो एप्लीकेशन वाली बात है उसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ, ये पैम्पलेट के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। बच्चों, आप लोगों को बराबर मालूम है, आपके पास ये डिग्री वाला पैम्पलेट है, पहली एक बार, जिसमें एप्लीकेशन का पूरी डिग्रीज दी गई है। ओके, और आपके पास बहुत अच्छी तरह से मैंने बहुत ही मेहनत करके आप लोगों को पूरा ये जो एप्लीकेशन का मैंने ड्राफ्ट आपको सिखा दिया है, और बहुत सारी बार उसकी टेस्ट भी हो चुकी है, और आप लोगों को अच्छा इसको आता है। अब आप लोगों को क्या करना है कि आपको 7 एप्लीकेशन बनानी है अपने आप, इस पैम्पलेट का उपयोग करके। ड्राफ्ट तो वही का वही रहेगा, बराबर, और जो डिग्री है, बराबर, जो डिग्री है वो आपको इसमें से सिलेक्ट करनी है। आप समझे मेरी बात? बराबर, और दूसरी बात, आप पहली दो एप्लीकेशन है ना, वो आपको स्कूल में ही भेजनी है। आप पहली दो एप्लीकेशन स्कूल टीचर की ही बनाना, आप समझ में? और जो एप्लीकेशन भेजने वाला व्यक्ति है उसमें आप ही रहोगे, तो आपका नाम आपका एड्रेस रहेगा। और जो सामने वाली जो कंपनी है, जो स्कूल है, उसमें तो आप, अब मान लो तो आप जो पहली दो एप्लीकेशन स्कूल में आप भेज रहे हो, तो उसमें आप सिद्धि हिंदी विद्यालय में आप एप्लीकेशन दे रहे हो ऐसा, तो उसका एड्रेस आएगा। और बाकी की जो 5 एप्लीकेशन आपको अलग अलग बनानी है, बराबर, तो वो सामने वाली जो भी कंपनी हो उसका एड्रेस आपको अपने आप सोचना पड़ेगा। ओके, तो कुल मिलाकर आपको 7 एप्लीकेशन तैयार करनी है राइटिंग सेक्शन में। बराबर, तो एप्लीकेशन का बोर्ड में 6 मार्क्स होते हैं, 6 मार्क्स से एक भी मार्क्स आपका जाना नहीं चाहिए। बराबर, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप एक ही दिन में 7 एप्लीकेशन लिख दो, लेकिन रोज के एक 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 तैयार करो, और ये 7 और 7 एप्लीकेशन मैं आप लोगों की चेक करूंगा। बराबर, तो रोज की एक लिखनी है आपको, बराबर, 7 दिन में 7 एप्लीकेशन आपको लिखनी है, और अच्छी तरह से फुल्ली बायोडाटा के साथ, फुल्ली बायोडाटा, और बायोडाटा में एक भी वो लाइन्स छूटनी नहीं चाहिए। बराबर, तो इस प्रकार से आप उसकी भी साइड में राइटिंग सेशन भी तैयारी करते जाओ, और कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो, कोई भी आपको समझ में ना आए, बराबर, तो हम आपके साथ ही है। बराबर, और हम साथ साथ ही है। ओके, और दूसरी बात, एक बात मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि बहुत अच्छा दिमाग लगाकर हमारे मैंने सिद्धि हिंदी परिवार ने, खास करके कुणाल सर ने, ऐसा मतलब ऐसा तैयार किया, और इस प्रकार से आप लोगों की पढ़ाई जरूरी। और आपको शायद मालूम नहीं होगा बेटा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, स्वाभाविक है मालूम नहीं होगा ना, बताऊँ तब मालूम होगा ना, मैं भी क्या यार। तो बात ये कि जो हम जो कर रहे हैं, सिद्धि हिंदी परिवार जो कर रहा है, ऐसी बात मैंने 4-5 क्लासेस में
जहाँ पे मैं पढ़ाने जाता हूँ, और एक दो स्कूल के मालिक जो उसके जो ट्रस्टी है उससे मेरी बातचीत हुई, तो मैंने उन लोगों को बताया तो वो बहुत ही प्रभावित हुए, और उन लोगों ने हमारी सिद्धि हिंदी परिवार की और सिद्धि हिंदी स्कूल की कॉपी मारकर उन लोगों ने भी ऐसा चालू कर दिया बराबर। तो इसके कारण तो पहली हमारे लिए भी गर्व की बात है, भाई हमारे कोई मतलब कोई हमारी ऐसी हम जो रास्ते पे चलते तो ऐसे दूसरे लोग भी ऐसे तैयारी कर रहे बराबर। ओके, तो ऐसे दूसरे लोग भी इसको फॉलो कर रहे हैं, और दूसरी बात ये बात शेयर करने से बहुत सारे बच्चों का एजुकेशन शुरू हो गया। ओके, तो आप बहुत ही लकी हो कि आप सिद्धि हिंदी स्कूल के स्टूडेंट हो, और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि चलो भाई इस प्रकार से आपकी स्टडी शुरू हुई। मैं भी बहुत टेंशन में था कि भाई ये 1-1.5 महीना क्या होगा, कैसे होगा, आगे चलकर कितने एक्स्ट्रा पीरियड सेट करने हैं, ये वो, तो ये पूरा टेंशन कुणाल सर ने सॉल्व कर दिया। ओके, और मैं वापस आपको और एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ, आप घर पे ही रहिए, अपने फैमिली मेम्बर्स अड़ोस पड़ोस के लोगों को समझे वो भी घर पे रहे, तो इसके कारण हम इस कोरोना वायरस की चेन को हम तोड़ सकेंगे। ओके, और ब्रेक के बाद हम वापस मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखना और अपने परिवार का भी ध्यान रखना। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय।